देर रात जलंधर के अली मोहल्ला के पास चल रही रिटायरमेंट पार्टी में उस समय हंगामा हो गया जब दो पक्षों की किसी बात को लेकर आपस में टकरार हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई, जिसके कुछ देर बाद ही ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो गई। गोली लगने से भाजपा का एक नेता घायल हो गया, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोई गल नहीं हुई, मैनू आया राजू का फोन, मेरे फोन च कॉल डिटेल है और कॉल रिकॉर्डिंग है। मैनू फोन आया कि तेरे घर गोलियां मारन आ रहे हैं, तो मैं रविदास महाराज जी का अज गंढ जी ने केक कटना से मैं उस केक कट्टन की खुशी से अज दिहाड़े उत्थे पहुंचा पाया सीगा। उत्थे मूवी भी हैगी और फोटो भी हैगी। मैं उतो वापस आया, फिर मैं राजू जी का फोन आया कि हराम दिया कितने हैं, तो कहते तेरे घर आ रहे हैं गोलियां मारन। हम मैं कतल दी धमकियां दे रहे हैं, तो डी सी पी साहब ने कहा वा कि तुम विपन जी घर जाओ, असं पुलिस भेज रहे हैं। मैं क्या मैं घर कितना जाव, मैं मोड़ते खड़ा घर के लागे खड़ा। उत्थे पुलिस आ गई, जिहड़ी फायरिंग उन्होंने की पुलिस के सामने की है और उत्थे सी सी कैमरे भी लगे आ। यह सारा बाकुआ पुलिस के सामने होया वा, और बाकुआ होने तो पहला डी सी पी साहब ना गल हुई सी मेरी कॉल डिटेल। ये बाकुआ होने तो पहलों पहलों आ, हर चीज़ पहलों आ, और यह सारा सिस्टम राजू खोसला और सुभाष सोंधी, धर्मिंदर सोंधी और सुभाष सोंधी के दोनों बेटे और सुरिंदर, यह सारे ने किया वा। राजू खोसले ने तिने राजू खोसले के भरा उत्तो सुरिंदर, उत्तो सुभाष सोंधी, सुभाष सोंधी का भरा धर्मिंदर सोंधी, उत्तो दोनों वे बेटे। अज राती अली महल्ले च एक झगड़ा होया सीगा, जिस विच ना कि एक दीपक तेलू नाल लड़के दी जिहड़ा वी आ गन फायर शॉट होया वा, जिहड़ा कि जिरे इलाज इत्थे पटेल हॉस्पिटल एडमिट हैगा वा। उस संबंध विच ना कि उहदे अजे बंदा अनफिट हैगा वा, उस चल रही गल चल रही। किस गल नूं लैके झगड़ा होया सीगा जी? इन्हां दा आपस च उत्थे इक कोई पार्टी सीगी, उस विच झगड़ा डिस्प्यूट होया, जिथों इन्हां दी नौबत आई है। सर किन्ने क फायर हो गए जी? फिलहाल अजे तां इह है वी इक गोली लगी आ, बाकी दूजी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक रिटायरमेंट पार्टी में आधा दर्जन फायरिंग हुई। जलंधर से पुनीत अरोड़ा, वे पंजाब टीवी।